हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। इंडिया ने अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कई तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कई देश अब चाइना से अपना फोकस शिफ्ट करके उसके कम्पीटिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। उनके इस प्लान में इंडिया बहुत अच्छे से फिट होता है, जहां पर चीप लेबर्स के साथ साथ कई सारे इंसेंटिव्स भी इन कंपनीज को मिल रही हैं। और अब इंडिया के लोकल मार्केट को देखते हुए एप्पल ने अपने सप्लायर को एयरपॉड और बीट हेडफोन के प्रोडक्शन के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोचा है। और अगर एप्पल अपने एयरपॉड्स और बीट हेडफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में ही एस्टेब्लिश कर लेता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉक्सकॉन ने इंडिया में ही अपना एक प्लांट एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है। वही फॉक्सकॉन आईफोन के असेंबलर की तरह भी काम करता है, जो कि इंडिया में ही उसके बीट हेडफोन्स को प्रिपेयर करने का प्लान कर रहा है। यानी अब हो सकता है कि इंडिया में ही आने वाले समय में एयरपॉड्स मैन्युफैक्चर किए जाए। फॉक्सकॉन के इस प्लान में उनका चाइनीज सप्लायर लक्ष्य प्रेसिजन इंडस्ट्री भी ऐसा करने में उसकी पूरी मदद कर रहा है। वही लक्ष्य अब वियतनामीज एयरपॉड के ऑपरेशन को भी बनाना चाहता है। साथ ही वो और कई एप्पल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। अगर हम ध्यान दें तो एप्पल, जो कि एक टेक जायंट्स है, वो अब अपने आईफोन प्रोडक्शन को चाइना से शिफ्ट करके दूसरे मार्केट में भी बढ़ाना चाहता है, जिसमें उसका सबसे पहला फोकस इंडियन मार्केट ही होगा। वही इसी साल से एप्पल ने अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में ही शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ एप्पल अब कई आईपैड टैबलेट की असेंबलिंग को भी इंडिया में ही प्लान करेगा। और अगर हम एप्पल के बड़े अनाउंसमेंट की तरफ ध्यान दें तो उसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो आने वाले समय में उसकी लेटेस्ट आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग को भी इंडिया में ही शुरू करने वाला है। और ब्लूमबर्ग की निपोस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने करीब $1 बिलियन के आईफोन को केवल 5 महीने में ही एक्सपोर्ट कर दिया है। वही अब 12 महीने में यानी मार्च 2023 तक इंडिया अपने आईफोन के एक्सपोर्ट को $2.5 बिलियन तक पहुँचाने का प्लान कर रहा है। एप्पल द्वारा लिया गया ये मूव चाइना से डाइवर्ट तो हो ही रहा है, पर इंडिया, मैक्सिको और वियतनाम जैसे कंट्रीज में एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करके अपनी सप्लाई चेन को और डाइवर्सिफाई करना चाहता है। वही COVID-19 के लॉकडाउन की वजह से चाइना ने अपनी इसी तरह की कई सारी इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरर्स को खो दिया है। और इसमें आग में घी डालने का काम चाइना और अमेरिका के बीच में बढ़ रहे टेंशन ने भी बहुत किया है। ये चाइना के लिए जितनी बैड न्यूज है, इंडिया के लिए उतनी ही अच्छी है। इससे इंडिया में कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडिया में एस्टैब्लिश करने का प्लान किया है। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।